ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम कुरंदी, जहां पिछले 6 साल से युवती अपने गुमशुदा पति की तलाश कर रही है। दरअसल मामला 2015 का है, जब रामदेव उम्र 39 वर्ष नामक युवक काम की तलाश में मजदूरी करने ठेकेदार तुलसी के साथ हैदराबाद गया हुआ था। परंतु कुछ हफ्ते महीने बीत जाने के बाद, तुलसी के वापस आ जाने के बाद भी जब रामदेव वापस नहीं आया, तो उसकी पत्नी द्वारा उसकी खोजबीन चालू की गई। थक हार कर जब अपने पति की कोई भी सूचना ना मिलने से नाराज पत्नी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, परंतु आज लगभग 6 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक अपने पति की किसी भी प्रकार की जानकारी ना मिलने के बाद हताश होकर जगदलपुर विधायक के पास भी लिखित आवेदन दिया। 4 साल पहले ने लाई और आज तक ना आसे। कौन ले गया? तुलसी। क्या बोल के ले गया वो? काम करेगी नहीं बोलते नेला। तो रिपोर्ट लिखा है थाना में आप लोग? लिखे लू। क्या बोले थाना में? कहीं ना बोल रहे। ढूंढ के देंगे, कुछ नहीं बोले। ना सागे। तो कहाँ कहाँ गए थे आप लोग बताने? नगर नाराग तो गलू, नगर नारे सरे 2-3 बार गलू, सरे बोल गलू, कहीं ना होला। वहीं युवती ने बताया कि पति के ना होने से उसकी एवं उसके परिवार की स्थिति काफी दयनीय है, परिवार के गुजर बसर में काफी तकलीफ होती है। वहीं इस मामले में डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच लगातार चल रही है एवं पुलिस की टीम द्वारा हैदराबाद के अलग अलग संबंधित थानों में भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। पुलिस द्वारा युवक को ढूंढने का हर संभव प्रयास जारी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। ये रामदेव पिता कुष्टाराम जाति भतरा है, 39 ईयर्स के है, ये कुरंदी के रहने वाले थे और गुम इंसान क्रमांक 3/2018 में अपराध गुम इंसान पंजीबद्ध किया गया था और इनसे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इन सारे से, क्योंकि एक हैदराबाद ये गया है बताया, इनके परिजनों से भी बात की है। इन्वेस्टिगेशंस में अभी तक हमने उसके सीडीएस को भी देखा है, उसको भी अभी जांच चल रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या है। प्लस करके इनका विवेचक के द्वारा हमने टीम भी भेजा गया था हैदराबाद में भी, और उसके नियरेस्ट जितने भी उनके पता तलाश के लिए, उसमें भी हमको अभी कोई क्लू नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ इसके साथ रहने वाले लोग, ठेकेदार से और उनसे जुड़े हुए हर एक लोगों से हमने उसमें कॉन्टैक्ट में है, वो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट में रखे हैं और नियरेस्ट अभी तक हमको उसके संबंध में कोई क्लू नहीं मिला है। सभी इंटर स्टेट के जिस रूट में वो जा सकते हैं, जिस रूट में काम है ना, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में भी हमने इनके हुलिया इनको भी हमने भेजा है, फिर भी अभी तक उसके बारे में भी पता तलाश नहीं, उसके बारे में हमको भी कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। अब ये तो जांच का भी बाद में ही पता चलेगा यदि उनके साथ जो मिसिंग पर्सन के साथ क्या घटना हुई है। जब तक तो कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं आ पाएगा। पहली बात है कि ये 2015 में मिसिंग हुआ था, जिसके 3 साल के बाद इनके परिजनों ने 2018 में यह गुम इंसान को रजिस्टर कराया है, तो उस विषय पर भी हम चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार से, कि कोई भी इतना लंबा क्यों रिपोर्ट हुआ है। दूसरी बात है कि जांच बिल्कुल किया जा रहा है, अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण से अभी ये थोड़ा सा नहीं हो पा रही है, इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं हो पा रहा, लेकिन हम इसकी जांच का सुपरविजन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।